हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू आई वांट टू कुक। आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ अमृतसरी छोले की रेसिपी। और ये छोले हम कुकर में बनाएंगे, जिससे ये जल्दी बनेंगे और टेस्टी तो ये होंगे ही। तो चलिए इस छोले की रेसिपी को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिले। छोले बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है कुकर, और कुकर में हम डालेंगे 5 बड़े चम्मच रिफाइंड तेल। अगर आप चाहें तो इसे आप घी में भी बना सकते हैं। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे 2 सूखी लाल मिर्च। अगर आपकी मिर्च बड़ी है तो आप एक ही यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। 4 लौंग डाल देंगे, 1 बड़ी इलायची, 1 इंच के लगभग हम दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, 1/4 छोटी चम्मच हींग। हींग से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप इसमें हींग ज़रूर ऐड करिए। और 1 छोटी चम्मच ज़ीरा। ज़ीरा जब हल्का सा भुन जाए तो हम इसमें डाल देंगे प्याज। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे कि मैंने बारीक काट लिया है। और प्याज को मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि अच्छे गोल्डन ना हो जाए। हमें इस छोले में प्याज को एकदम अच्छा गोल्डन कलर लाना है। प्याज यहाँ पे हल्के हल्के ब्राउन होना स्टार्ट हो चुके हैं, और ये कुकर के थोड़े बॉटम में भी लग रहे, क्योंकि मेरा कुकर नॉनस्टिक नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दे रही हूँ, ताकि ये बॉटम में ना लगे। प्याज जब तक यहाँ पे भून रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर रही हूँ, लगभग 2 छोटी चम्मच। इसे भी प्याज के साथ थोड़ा सा भून लेंगे जब तक कि इसका रॉ स्मेल ना चला जाए। प्याज अदरक लहसुन यहाँ पे भून चुके हैं, सो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े साइज़ की टमाटर की प्यूरी। अगर आपके टमाटर थोड़े छोटे हैं तो आप 3 यूज़ कर सकते हैं। टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और इसमें हम डाल देंगे नमक। टेस्ट के हिसाब से आप फाइनल नमक इसमें ऐड कर दीजिए। नमक डालने से टमाटर हमारे जल्दी पक जाएंगे। नमक को टमाटर में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और इसी स्टेज पर मैं इसमें कुछ मसाले भी ऐड करूँगी। तो मसाले में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, या आप अपने स्पाइस लेवल के हिसाब से भी लाल मिर्च यूज़ कर सकते हैं। और अभी हम टमाटर को तब तक पकाना जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो जब तक हमारा मसाला भुन रहा है, यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन में 1 कटोरी पानी डाला है, और पानी में हम डालेंगे 2 छोटी चम्मच के लगभग चाय पत्ती। और अभी हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक कि चाय पत्ती का एकदम अच्छा फ्लेवर पानी में नहीं आ जाए। और ये काम हमें इस छोले में करना ज़रूरी है, तो इसे स्किप बिल्कुल मत करिएगा। तो वापस आते हैं हमारे मसाले के पास, और इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अभी हम इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे तो वो जले नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। सो इसमें मैं डाल रही हूँ 3 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर इसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है। दो छोटी चम्मच हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर। वैसे तो कायदे से अनारदाने का यूज़ होता है, लेकिन सभी के पास वो अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए मैं अमचूर पाउडर यूज़ कर रही हूँ। तो इसे भी मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा सा इसे भी हम पका लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये चाय पत्ती का पानी अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है, तो अभी मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 कटोरी छोले, जिसे मैंने ओवरनाइट सोक करने के लिए रख दिया था, या इसे आप कम से कम 8 घंटे ज़रूर सोक करिए। तो यहाँ पर हमारा मसाला अच्छी तरह से एकदम भुन चुका है, सो इसमें हम ऐड कर देंगे हमारे छोले। छोलों को भी हम मसालों के साथ थोड़ा सा मिक्स करके 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे। और यहाँ पर मैं छोलों के साथ साथ थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी ऐड कर दे रही हूँ, लगभग 1/2 छोटी चम्मच। छोलों को यहाँ पर मैंने थोड़ा सा भून लिया है, और अभी मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ लगभग 1 कटोरी, और साथ ही साथ जो मैंने चाय पत्ती का पानी बनाया था वो भी मैं इसमें स्ट्रेन करके डाल दूंगी।
इस चाय पत्ती के पाने से हमारे छोले में बहुत ही अच्छा फ्लेवर और कलर आएगा। और आधी छोटी चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी खाने वाला सोडा, या इसे मीठा सोडा भी बोलते हैं। अभी हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे हम 6 सीटी तक पकाएंगे। उसके बाद हम कुकर को अपने आप डीप्रेशराइज होने देंगे। यहाँ पे मेरा कुकर ठंडा हो चुका है और छोले एकदम रेडी हैं। अगर आपके 6 सीटी में छोले नहीं पकते हैं तो आप 1-2 सीटी और लगा दीजिए। तो लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो आप इसे ज़रूर डालिए। और यहाँ पे मैंने फ्लेम को भी ऑन कर दिया है, तो लो फ्लेम पे मैं इसे अभी छोड़ दे रही हूँ जब तक मैं इसका तड़का रेडी करूँगी। तड़के के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच बटर। बटर में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े से पतले कटे हुए अदरक के लच्छे और साथ ही 2 हरी मिर्च जिसे कि मैंने बीच से स्लिट किया हुआ है। इसे हम थोड़ा सा पका लेंगे। अदरक हरी मिर्च जब थोड़ी सी पक जाए तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे छोले में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और मिर्च डालने के बाद हम इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसे आप एक बार मिक्स कर दीजिए और छोलों में ऐड कर दीजिए। और यहाँ पे मैंने छोलों में थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड किया था, लेकिन मेरा कैमरा ऑफ हो गया था तो वो शूट नहीं हुआ। तो छोले अब बिल्कुल रेडी हैं, तो चलिए करते हैं अब इन्हें सर्व। आप इस छोले को एंजॉय कर सकते हैं भटूरे के साथ या पूरी के साथ। और अगर रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।